और मैं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं वो वर्ल्ड कप 83 के बारे में सोचती हूँ। के आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैंगुइन सारिका। दिस इज़ अनदर व्लॉग एंड आज मैं आई हूँ यहाँ पर गुड़गांव ऑम्बियंस मॉल में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टोर्स देखूँगी, कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी है मुझे, वो मैं ले लूँगी। बट बेसिकली आज मैं यहाँ पे आई हूँ, पहले तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। यहाँ पर पहले थोड़ा बहुत शॉपिंग करूँगी, आई माइट जस्ट गेट अ हेयर कट ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर। कुछ पता नहीं रफ हो रहे हैं बाल या नहीं हो रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन देखती हूँ अगर मैं यहाँ पर हेयर कट भी ले लूँगी। और फिर बेसिकली मैं यहाँ पर आई हूँ आज मूवी देखनी है मुझे अपने बेटे के साथ में, थ्री। ये मूवी मेरे दिल के बहुत 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 करीब है, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरे दिल के क्यों इतना करीब है ये मूवी। इसके साथ मेरी बहुत अच्छी स्कूल की मेमोरी जुड़ी हुई है, और जो मेरे डैडी और मेरी एक मेमोरी इसके साथ जुड़ी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मूवी थिएटर से करूंगी मैं, मूवी थिएटर PVR में जब मैं जाऊँगी अंदर, वहाँ से मैं लूँगी और वहाँ से आपको मैं बताऊँगी कि ये मैं मूवी क्यों देखने आई हूँ और मैं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं वो वर्ल्ड कप 83 के बारे में सोचती हूँ। चलिए तो मैं ये इधर आ गई हूँ मॉल में अंदर, अब मेरे को यहाँ पर ये सिक्योरिटी चेक करेंगी। क्या देखना है आपको, देख लीजिए, ये लीजिए बैग। अपना नाम बताओ। कैब यहाँ पे गेट नंबर 2 पर छोड़ देती है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे लिवाइस का शोरूम आ जाता है। ये तो होता ही है आप लोगों का मेन एरिया अशरिंग के लिए, यहाँ पर स्कैनिंग मशीन एंड ये सब तो होता ही है। और साइड में ये बॉबी ब्राउन का आ गया, एंड तो ये गेट नंबर 1 से जब आप एंटर करते हैं तो ये मॉल में इसमें लेफ्ट साइड में ये फॉल बेकरी है एंड रेस्टोरेंट बिस्कुट, यहाँ पर भी स्कैनर मशीन तो एवरीवेयर है। एंड राइट साइड में ज़ारा है, इधर बाहर से आप इसका व्यू ऐसे देख सकते हैं, बाहर का एरिया है एंड वो हाईवे है, बिल्कुल हाईवे के पास में ये मॉल है, हाईवे की साइड में। तो इधर ये फॉल का यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी गेट्स एंड ऑल ओपन स्पेस में भी ये है यहाँ पर, तो दिस गेट्स एंड बेकरी एंड ऑल, तो यहाँ पे भी है। इनके नाइट सूट्स बड़े अच्छे होते हैं बट एक्सपेंसिव होते हैं।
उतारना अलाउड नहीं है तो आपको कितना टाइम हो गया ऑम्बियंस मॉल में काम करते हुए? 8 महीने हुए हैं। 8 महीने हुए हैं। आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता? गीता। गीता, ओके। तो अच्छा लगता है इधर काम करना आपको? हाँ। जैसे ये पोलकी वाला है, ये इसका क्या प्राइस होगा मैम? ये सेपरेट है, ये 8,950, 6,950। आपको किस तरह का देखना है? देख रही हूँ मैं, पहले देख लेती हूँ। ये वाला गोल्डन वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाला सुंदर है। इसका क्या प्राइस है? 39,000 है। इसमें क्या कोई कोई पानी चढ़ाया हुआ है कुछ है? हाँ, गोल्ड पॉलिश है। गोल्ड पॉलिश सारा अनकट कुंदन वर्क है, रियल कुंदन वर्क है। गोल्ड पे यूज होता है वही है। ठीक है, जो गोल्ड कुंदन होता है उसका फिनिश है। ओके, ये भी इसमें भी सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। So what all options do you have here? Chili tolerant. Okay. So show. I have the same. Okay. These are the options for nail art. Huh? देखना पड़ेगा closely. एक मिनट. पहले तो मैं ये इनको ये दिखा दूँ. Nail extensions मुझे नहीं कराने. I don't like those. I mean, थोड़ा सा they are difficult to carry actually. So I'll get the nail art done and I'll show you. Something like this. Hi. Hi, what's your name? Toshi. Toshi. This is Toshi and she is
is the manager here at Nails Lashes. Nail? Lashes. Nail Lashes. Okay. So you get the nails done and the eyelashes. Yes, right? Hair extensions as well. Okay. Great. Great. So, सबसे पहले मेरे नेल्स की नेल पेंट हटा रही है ये, उसके बाद में देन करेंगे। इट्स गोइंग टू टेक 40 मिनट्स फॉर वन हैंड। शेप रॉन्ग है ना, जो अच्छी लगेगी वो करो, ठीक है? आपके ऊपर छोड़ा है। And what is your name? Esther. Esther? Mm-hmm. Okay. Esther, very nice name. And aapka naam kya hai? Kiran. 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 Okay. And aapka naam kya hai? Ankit. Oh. घड़ी को तो नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? घड़ी उतारूं कि घड़ी नहीं, कुछ नहीं होगा। ये देखो, इस मेरे नेल्स को इंक्यूबेशन में डाल दिया गया है, अभी इंक्यूबेट हो रहे हैं मेरे नेल्स। अंदर तो वो पूरा वो उसमें बैंग हो रहा है, जितना डिस्टेंस है ना उतना कर लिया मैंने। बेस कलर वो लगा रहे हो? हाँ ठीक है, इसमें से बेस कलर चूज कर रहे हो? ठीक है। बेस कलर मैट मैट वाला लगा रहे हो? नहीं मैम, ग्लॉसी आएगा, मैट नहीं है। हाँ तो वही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये तो ग्लॉसी उतना लग नहीं रहा था ना इसी में। नहीं, ये सारे ग्लॉसी हैं मैम। अच्छा, बाकी में आ रहे थे। तो ये कितनी देर के लिए इसको हीट में रखते हैं? 40 मिनट्स फॉर इट टू सेट इन, राइट? फॉर मिनिमम 120 सेकेंड्स। अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम करा रही हूँ एक्चुअली, नेल आर्ट पहले नहीं करा। कलर्स देखो मैम, रेड में दिस कलर ठीक है? कौन सा, ये वाला? हाँ, 50 नंबर। हाँ, एंड पिंक में आई थिंक ये वाला नहीं। पिंक में फिर कौन सा चाहिए? पिंक में ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, वो बीच वाला, ये फोर्टीन एंड फिफ्टीन। पिंक में थोड़ा सा डल शेड चाहिए मुझे, ज़्यादा ब्राइट नहीं अच्छा लगे। हो गया, बंद हो गया, निकाल दूँ? बंद हो गया। मैंने इससे पहले कभी नेल आर्ट नहीं कराया, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कैसे होती है नेल आर्ट। अपने आप ही कर लेती हूँ मैं घर में, दुनिया भर के ड्रामे जो करने होते हैं नेल्स के ऊपर वो अपने आप ही कर लेती हूँ मैं, लेकिन आज पहली बार मैंने कहा आज मैं बना करके नेल आर्ट प्रॉपरली एक्सप्लोर करती हूँ। नाउ शी इज़ अप्लाइंग अ बेस कलर। बेस कलर मैंने न्यूट्रल में पीचेस लिया
बेस कलर भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। पेशेंस का काम है, हैट्स ऑफ टू दोस वुमेन एंड गर्ल्स एंड लेडीज जो बार बार इसको कराते ही रहते हैं। मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, सारी चीज़ें ऐसे बीच में करना, ठीक है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं भी करा लिया करूँगी रेगुलर, है ना, जब भी यहाँ का चक्कर लगेगा मैं करा लूँगी, अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नहीं करा। शी इज लाफिंग एस्टर, शी इज गॉट अ ब्यूटिफुल नेम एस्टर। विच प्लेस डू यू बिलोंग टू एस्टर? नॉर्थ ईस्ट। ओके, नेल लैम्प 72 वॉट्स LED UV नेल लैम्प, इसके अंदर हाथ सुखाने के लिए रखते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये 83 जो मूवी है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 83 का, वो मेरे दिल के इतने करीब क्यों है, अभी मैं आराम से बैठ के आपको बताती हूँ। अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने बेटे का, वो कहीं गया हुआ है अपने फ्रेंड के साथ, वो ही विल जॉइन मी फॉर द मूवी, तो तब तक मैं लाउंज में बैठ करके एंड आई विल हैव समथिंग और फिर आपको स्टोरी बताती हूँ। चलिए, ये PVR में यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन हो रखा है, सो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अहेड। सो नाउ मैं आपको पूरा एक थोड़ा सा राउंड करा देती हूँ यहाँ का। सो एज़ प्रोमिस्ड आई हैव टू टेल यू कि ये जो मूवी है 83, वाई इज़ इट क्लोज टू माई हार्ट। एक्चुअली आई वॉज इन स्कूल इन 83 एंड माई डैड वॉज अ हार्ट पेशेंट दैट टाइम, ही हैड गॉट ऑपरेटेड, उनका ऑपरेशन हुआ था 1980 में, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम पर ये इतना हाई टेक सर्जरी नहीं होती थी, तो उनका पूरा ही सब कुछ काफ़ी मेजर सर्जरी थी, ओपन हार्ट थी, तो एंड 80 में ऑपरेशन हुआ था और 83 में ये मैच चल रहा था जब, और डैडी इतने ज़्यादा एक्साइट हो गए मूवी ये देखते देखते, मैच देखते देखते, कि बस अब तो जीतना ही है, इंडिया को जीतना ही है, अब तो कुछ भी हो जाए जीतना ही है, जीतना ही है। अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ जो खेल रहे थे, वो भी उसको लिटरली ही वॉज बैगिंग की यार हम जिता दे एंड ही वॉज टू एक्साइटेड। मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई गॉट सो टेंस्ड कि पता नहीं मेरे डैड को कुछ ना हो जाए, तो डैडी को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था मैच को, मुझे लगा डैड को कोई कार्डियक अरेस्ट पर कुछ ना आ जाए, तो उस वजह से मैंने फिर वहाँ पर आई ऑल्सो स्टार्टेड बैगिंग एंड मैं TV के सामने बिल्कुल जैसे वो साष्टांग प्रणाम करते हैं ना, जैसे वो महेंद्र अमरनाथ को मैं करने लगी, अरे भैया 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 प्लीज़ भैया जिता दो, इंडिया को जिता दो, डैडी को कुछ ना हो जाए, जिता दो एंड दैट इज़ हाउ। और फिर वो जब एकदम से लास्ट में जीत गए, तो मतलब माई डैड वॉज डांसिंग लाइक अ चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे की तरह डांस कर रहे थे,
तो वो मुझे अभी तक इसलिए याद है और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, वो मुझे याद आ जाता है सारा वो मैच, वर्ल्ड कप जीतना, वो सब मेरे को बहुत अच्छे से याद आ जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू कीप पोस्टिंग और मैं ब्लॉग्स बनाती रहूँ और आप लोग को दिखाती रहूँ। आप लोग कमेंट भी कीजिए प्लीज़, और ज़रूर इसको शेयर कीजिए फैमिली फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइन में। एक शेयर, एक ऑर्डर और हम चल पड़े, पर अचानक दुनिया थम गई। जहाँ हर सपने के शटर पर ताला लग चुका था, और मेरी एक छोटी सी कोशिश क्या थी? बस